हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ब्राइडल पैकेज लेके आई हूँ। ये पैकेज आपको 14,000 रुपये 999 रुपये का पड़ेगा। और इस पैकेज में क्या क्या होता है, 1 मंथ का प्लान है। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी कि अगर आपकी शादी के भी 1 महीना बचे हैं और आपके पास इतना ज़्यादा कम टाइम है तो आप इसमें कौन कौन सी चीज़ें करवा सकती हैं और कितनी बार करवा सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखना। और फ्रेंड्स, जैसे कि जब आप पार्लर में बुकिंग के लिए जाती हैं पार्लर में, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पैकेज भी बताए जाते हैं, महंगे वाले, सस्ते वाले। तो उसमें से आपको चुनना होता है कि पैकेज मेरे लिए लेना सही है कि ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग से करवा लूँ तो उसमें मुझे कम पैसे पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको अलग अलग हर एक चीज़ का रेट बताती चलूँगी कि अगर आप अलग से करवाना चाहती हैं तो आपको इतने रुपए का पड़ेगा, अगर आप पैकेज लेंगी तो आपको पैकेज में इतनी सारी चीज़ें कितने रुपए तक पड़ेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 ब्लीच लिखे हैं। तो 2 ब्लीच आपके 1 महीने में हो सकते हैं क्योंकि आप ब्राइडल हैं, तो ब्राइडल का 2 ब्लीच 1 महीने में होना ज़रूरी होता है क्योंकि जब ब्राइडल तैयार होती है, जिस दिन उसका मेकअप होता है, अगर फेस पे अच्छा ग्लो नहीं आएगा तो मेकअप हमारा अच्छा नहीं होता है, तो मेकअप देखने में नहीं अच्छा होता है। इसीलिए मेकअप करने से पहले 15 या 2 महीने या 1 महीने पहले ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ब्लीच, फेशियल, जो भी आपको करवाना होता है। तो फ्रेंड्स, 2 ब्लीच आपके फेस के होंगे, हैंड के होंगे, लेग के होंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी स्किन कैसी है, आपका फेस कैसा है, आपके हैंड कैसे हैं, लेग कैसे हैं, उस हिसाब से आपको 2 बार तो आपको ब्लीच करवाना ही है क्योंकि 1 महीने का टाइम है, उसमें 2 बार ही ब्लीच हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता तो आप एक महीने में या महीने में 2 बार करवा सकती थी आप अपने फेस का ब्लीच। तो 2 ब्लीच फेस के होंगे, 2 हैंड के और 2 लेग के। और फ्रेंड्स, में जैसे पैकेज में फेस का है, हैंड का है ब्लीच, तो इसमें फुल बॉडी ब्लीच भी होता है, तो उसे अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें करवाना चाहती हैं तो उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। तो फेस, हैंड, लेग का आपका पूरा जो रेट है वो 2,000 रुपये तक पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो ब्राइडल का ब्लीच होता है तो ब्राइडल का ब्लीच अच्छी कंपनी का करवाना चाहिए, जैसे कि BLCC है, डायमंड है, तो ये सारे ब्राइडल के लिए अच्छे होते हैं। और भी अलग अलग कंपनी के अच्छे ब्लीच आते हैं। तो फेस का 1 ब्लीच हमें 200 रुपये का पड़ेगा और हैंड का, फुल हैंड का 300 रुपये, दोनों हाथों का 300 रुपये, और लेग का 400 से 500 रुपये फुल लेग का। तो इतने रुपए हमें पड़ेंगे अलग अलग से ब्लीच के। तो इस तरीके से आपके 2,000 रुपये ब्लीच में लग जाएंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, तो आपको पहले महीने में ही आपको शुरुआत में 1 ब्लीच करवाना है, फिर 15 दिन पे आपको 1 ब्लीच करवाना है, या फिर आप शुरुआत में आप 1 ब्लीच करवाएंगे और शादी के 4 दिन पहले आपको 1 ब्लीच करवाना है। इस तरीके से आपका ब्लीच हो सकता है। और फिर हम फेशियल पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो 2 फेशियल हमें इस पैकेज में मिलेंगे, 2 फेशियल हमें करवाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि फेशियल ब्राइडल के जो होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे कि O3+ फेशियल जो है वो ब्राइडल के लिए बहुत ही अच्छा है, और BLCC वाइटनिंग डायमंड का जो होता है, तो ये भी फेशियल ब्राइडल के लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, जो वाइटनिंग वाला होता है और O3+ वाला होता है। तो इस तरह के आप जब ब्लीच करवाएंगी, अच्छी कंपनी का आपको लेना है, तो ये आपको 1,000 रुपये तक पड़ेंगे, 1 फेशियल आपका 1,000 रुपये का पड़ेगा। तो 2 फेशियल तो आपके 2,000 के हो गए। तो ये फेशियल आपको पहला फेशियल महीने के पहली तारीख को करवाना है, फिर शादी के 4 दिन पहले आपको दूसरा फेशियल करवाना है। तो फ्रेंड्स, जब आपका पहला ब्लीच होगा उसी के साथ में आपका पहला फेशियल होगा, और फिर जब दूसरा ब्लीच होगा उसी के साथ में आपका दूसरा फेशियल होगा, एक ही दिन होगा।
तो इस तरीके से आपको करवाना है। और ये फेशियल आपको 2000 रुपये के, दो फेशियल आपको 2000 रुपये के पड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ब्राइडल की बात हो रही है तो ब्राइडल के लिए हम अच्छी कंपनी का ही फेशियल यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स अब हम फेशियल के बाद मैनीक्योर और पेडीक्योर पे बात कर लेते हैं। तो मैनीक्योर और पेडीक्योर इस पैकेज में है। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मैनीक्योर, तो मैनीक्योर भी आपका इस पैकेज में होगा, और अगर आप अलग से करवाएंगे तो आपको 500 का मिलेगा। पेडीक्योर भी आपको 500 का अलग से मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी अलग अलग किट आती हैं, अलग अलग कंपनी की, महंगी वाली, सस्ती वाली। तो जो भी आप ले रही हैं अपने बजट के हिसाब से, उसका रेट इस हिसाब से 500 रुपये और 500 रुपये, मैनीक्योर का 500 रुपये, पेडीक्योर का 500 रुपये, तो उस हिसाब से आपको चार्ज देना होता है। तो मैनीक्योर आपको इस पैकेज में एक एक बार ही मिल रहा है, एक बार आपका मैनीक्योर होगा, एक बार आपका पेडीक्योर होगा। अगर आप ज़्यादा और भी महीने में आप दो बार मैनीक्योर पेडीक्योर करवाना चाहती हैं, जैसे कि आपके पैर ज़्यादा गंदे हैं, हाथ पैर गंदे दिख रहे हैं, कि आप एक बार मैनीक्योर पेडीक्योर करेंगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे, तो अगर आपको करवाना है तो आप अलग से करवा सकती हैं, उसका आपको अलग से चार्ज देना होगा, एक्स्ट्रा बढ़ा सकती हैं कि मुझे ये चीज़ दो बार करवानी है। आप महीने में दो बार मैनीक्योर पेडीक्योर कर सकती हैं 15-15 दिन पे। तो अगर आप दो बार करवाएंगी तो उसका चार्ज आपको अलग से देना होगा इस पैकेज में। इस ये पैकेज जितने का है, अगर आप इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ करवाती हैं अलग से, उसका चार्ज आपको पैकेज के तो पैसे आपको देने ही होंगे, और भी चीज़ें जो आप करवाएंगी उसका आपको अलग से देना होगा। तो इस तरीके से आपका मैनीक्योर हो गया, पेडीक्योर हो गया। और फिर फ्रेंड्स हम वैक्सिंग की बात कर लेते हैं। तो वैक्सिंग तो हमें शादी के 4 दिन पहले करवानी होती है, क्योंकि 1 महीने का टाइम है और 1 महीने में हम एक बार ही वैक्सिंग करवा सकते हैं। तो वैक्सिंग तो शादी के 4 दिन पहले या 3 दिन पहले करवानी होती है, उसमें कि जैसे कि आप अपने फुल हैंड का करवाना चाह रही हैं, फुल लेग का, अंडर आर्म्स का, और फुल बॉडी वैक्सिंग भी होती है। तो इसमें जो जो चीज़ें आपको करवानी है वो आपको बताना है कि मैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी तो होती हैं लेकिन, पर फ्रेंड्स क्या होता है, किसी किसी के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता है किसी हैंड वैक्सिंग, पैर वैक्सिंग और अंडर आर्म वैक्सिंग, फुल बॉडी वैक्सिंग, ये सारी चीज़ें करवाई जाए, क्योंकि इतना बजट उसके पास नहीं होता है। करवाना तो बहुत कुछ होता है पर सब लोग अपनी बजट के हिसाब से ही करवाते हैं। तो वैक्सिंग में आपको इस ब्राइडल पैकेज में मिलेगा हैंड का फुल और पैर का फुल वैक्स होगा, अंडर आर्म्स का होगा। तो फ्रेंड जैसे कि पैकेज में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप अलग अलग से करवाना चाहते तो फ्रेंड्स आपका वैक्सिंग का 1000 रुपये पड़ेगा। तो इस पे पार्लर के हिसाब से भी होता है कि किस पार्लर में क्या रेट चल रहा है वैक्सिंग का, वहाँ पे कौन से वैक्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं, महंगा वाला है, सस्ता वाला है, उसके हिसाब से वैक्सिंग का रेट कम और ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े पार्लर होते हैं, वहाँ पर अगर आप वैक्सिंग करवाएंगी तो आपको वैक्स के साथ में उसका चार्ज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप हैंड और पैरों का और अंडर आर्म फुल बॉडी वैक्सिंग करवा सकती हैं। आप फुल बॉडी वैक्सिंग अगर आप करवाएंगी तो इसका पैसा आपको अलग से देना होगा। इस पैकेज में फुल बॉडी वैक्सिंग नहीं है, और अगर इसमें हर एक चीज़ होती तो ये पैकेज और भी महंगा होता। तो फ्रेंड्स अब हम थ्रेडिंग की बात कर लेते हैं इस पैकेज में। थ्रेडिंग हम शादी के 2 या 3 दिन पहले हमें करवानी होती है। और थ्रेडिंग में जैसे कि आईब्रो थ्रेडिंग है, फोर हेयर थ्रेडिंग है, अपर लिप थ्रेडिंग है, चिन थ्रेडिंग है, फेस थ्रेडिंग है, तो इतनी सारी थ्रेडिंग हमें करवानी होती हैं। तो इसमें फ्रेंड्स अपने बजट पर होता है, जैसे कि इसमें ज़रूरी थ्रेडिंग है आईब्रो, फोर हेड, अपर लिप, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसा नहीं कि किसी किसी कि चिन पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, फेस पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो वहाँ पे हमें चिन और फेस की भी थ्रेडिंग करवानी पड़ती है। थ्रेडिंग करवा सकते हैं, वैक्सिंग करवा सकते हैं, तो हम फेस का वैक्सिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं तो वैक्सिंग करवाना पड़ता है, तो इसका भी चार्ज आपका, अगर आप फेस वैक्सिंग करवा रही हैं तो उसका भी आपको चार्ज अलग से पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फेस का नहीं है, केवल थ्रेडिंग है। तो थ्रेडिंग आप करवा सकते हैं, थ्रेडिंग जो होगी कॉटन धागा से होगी, और अगर आप फेस का वैक्स करवाएंगे तो
उसका चार्ज आपको अलग से पड़ेगा, थ्रेडिंग का आपको कम पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सब मिला के टोटल आपका अलग अलग से करवाएंगी तो 200 रुपये में आराम से हो जाएगा, क्योंकि जो फेस थ्रेडिंग होता है उसका 100 रुपये पड़ता है और आईब्रो के 20-25 रुपये पड़ते हैं, फोर हेड अपर लिप चिन ये सब तो 10-10 रुपये पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमें शादी के 2 या 3 दिन पहले आईब्रो, फोर हेड, अपर लिप, चिन और फेस की थ्रेडिंग करवानी होती है, क्योंकि अगर हम आईब्रो, फोर हेड और चिन फेस की थ्रेडिंग नहीं करवाएंगे, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं तो मेकअप वाले दिन मेकअप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे वो हमारे चेहरे पर इतने ज़्यादा बाल होते हैं कि बालों पर ही वो मेकअप लग जाता है और हमारी स्किन पर नहीं लगता है। तो इसीलिए फेस वैक्सिंग भी ज़रूरी है अगर बाल हैं आपके फेस पे, तो अगर कम बाल हैं तो ब्लीच से काम चल जाता है, ब्लीच से आपके जो बाल हैं वो छुप जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो अब हम स्किन ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस पैकेज में हमें स्किन ट्रीटमेंट भी मिलेगा, जैसे कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो इसमें हमें उनका स्किन ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें अलग अलग फेशियल आते हैं और अलग अलग स्टीम दी जाती है। तो इसके लिए उसका चार्ज अगर आप अलग से करवाएंगे तो उसका 500 रुपये आपको देना पड़ेगा इसका चार्ज। बाकी आप जो भी उसमें करवा रही हैं, कौन सी किट यूज़ कर रही हैं, क्या है, कितनी महंगी है, कौन सी कंपनी के, उसके हिसाब से आपके पैसे यहाँ पर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अलग से आप करवाएंगे तो आपको 500 रुपये पड़ेंगे। और फिर हेयर ट्रीटमेंट स्टाइल के बारे में ये भी आपको इस पैकेज में मिलेगा, जिसमें कि हेयर ट्रीटमेंट में जैसे कि कलर है, मेहंदी है, हेयर कट है, हेयर स्टाइल हो गया, स्टाइल में हेयर स्टाइल हो गया, तो जैसे रेड वाली है मेहंदी, ब्लैक वाली मेहंदी है और हेयर स्पा है, हेयर हाइलाइटर है, तो ये बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट होते हैं। तो इसमें से आपको अपने बजट के हिसाब से क्या करवाना है, इसमें तो इस पैकेज में कलर है, मेहंदी है, हेयर कट है और हेयर स्टाइल है, तो इसका फ्रेंड्स अगर आप अलग से करवाएंगे तो इसका आपको 1000 रुपये पड़ेगा अलग से, ये पूरा इसका चार्ज 1000 रुपये पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो कलर वगैरह आते हैं मार्केट में, मेहंदी वगैरह बहुत महंगी आती हैं, अगर आप अच्छी कंपनी की यूज करेंगे हेयर ट्रीटमेंट में तो आपको 1000 रुपये में ये सारा काम आपका हो जाएगा। तो हेयर ट्रीटमेंट तो आपको शादी से 1 हफ्ता पहले ही करवाना है जो भी आपको करवाना है, और जो स्किन ट्रीटमेंट है वो भी आपको महीने, जो महीना आपका शादी का बचा हुआ है, 1 महीना है आपके पास, तो उसी में आपको शुरुआत से ही करवाना है, जिससे कि आपकी स्किन पे जो भी समस्या है वो जल्दी से ठीक हो जाए। उसके लिए आपको 1 महीना पहले ही ये स्किन ट्रीटमेंट करवाना है और फिर हेयर ट्रीटमेंट शादी के 1 हफ्ता पहले से। और फिर फ्रेंड्स हम यहाँ पे मेहंदी पे बात कर लेते हैं, तो इस पैकेज में आपको ब्राइडल मेहंदी भी मिलेगी बुकिंग के साथ में, वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं ब्राइडल मेहंदी लगाने वाली, फुल हाथों का और हाफ पैरों का। तो फ्रेंड्स आजकल ब्राइडल मेहंदी जो होती है बहुत ही महंगी है, क्योंकि मेहंदी लगाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, अगर हम पार्लर में लगवाते हैं तो ये 2000 से नीचे तो हमें 2000 रुपये तो पड़ेंगे ही इसके, क्योंकि फुल हाथों का होता है, हाफ लेग का होता है, तो फुल हाथों में कितना टाइम लगता है मेहंदी, और भी ब्राइडल होती है घनी मेहंदी लगाई जाती है, तो अगर हम दोनों का 1000-1000 रुपये रखेंगे तब भी 2000 रुपये आपको देने होंगे, चाहे आप पार्लर में लगवाएं या आप किसी लड़की या अपनी फ्रेंड से लगवाएं, तो पैसे तो आपको मेहंदी के देने होते हैं, तो इतना चार्ज आपको देना होता है मेहंदी का। तो मेहंदी तो आपको शादी के 1 दिन पहले लगवाना है। तो फ्रेंड्स अब हम मेकअप के बारे में बात कर लेते हैं। इस पैकेज में हमारा फुल HD मेकअप है, लहंगा है, ज्वेलरी है, तो मेकअप हमारा जो है वो 5000 का है। इस पैकेज में अगर आप अलग से करवाएंगे तो आपको केवल मेकअप के, HD मेकअप के केवल आपको 5000 रुपये देने होंगे, और लहंगा ज्वेलरी 2000 रुपये का आपका पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसमें अगर लहंगा आपका है, ज्वेलरी आपकी है, आपने खुद की अपनी ज्वेलरी ली है, तो उसमें से इस पैकेज में से आपके 2000 रुपये कम हो जाएंगे। तो लहंगा और ज्वेलरी किराए पे है, आपको शादी की अगले दिन आपको लहंगा और ज्वेलरी वापस करना होता है,
तो ये आपको पार्लर में मिल जाएगा। और अगर आपके पास आपका खुद का लहंगा है, ज्वेलरी नहीं है, आपको पार्लर से ही लेना है, तो जब भी आप पार्लर में पहले दिन बुकिंग के लिए जाएं, वहाँ पे आप लहंगा देख लें, ज्वेलरी देख लें लहंगे की मैचिंग की, और आपको पहले ही सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा लहंगा लेंगी, कौन सी ज्वेलरी पहनेंगी, और लहंगे का जो ब्लाउज वगैरह है वो आपके नाप का है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही देखनी होती हैं, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो मेकअप में फुल HD मेकअप आपका है इस पैकेज में, और लहंगा ज्वेलरी किराए पे आपको मिल जाएगी इसी में है। और अगर ये आपका खुद का है तो आपको ये 2000 रुपये इसमें से कम कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये पूरा हम जोड़ें, जितना मैंने आपको हर एक चीज़ का अलग अलग रेट बताया है, तो ये पूरा जोड़ के हमारा आपको 16700 का पड़ेगा। टोटल ये 16700 का आपको पड़ेगा, और फिर आपको पैकेज में 14999 रुपये का पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अलग अलग से करवाती हैं तो ये टोटल आपका 16700 का हो जाएगा। कंसेशन करके आपका पैकेज जो है वो 14999 रुपये का आपको पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, पार्लर में आपको इस तरीके के पैकेज मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपके बजट में नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें अलग अलग से भी करवा सकती हैं, जो भी आपके बजट में आए, जैसे कि ब्लीच है, फेशियल है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप अपने बजट के हिसाब से करवा सकती हैं। इसीलिए मैंने आपको साथ में अलग से जो आप करवाएंगी उसका रेट आपको क्या पार्लर में पड़ेगा वो भी मैंने आपको साथ में बता दिया है। तो इस तरीके से आप पैकेज भी ले सकती हैं और ये सारी चीज़ें आप अलग अलग से भी करवा सकती हैं। और कितने दिन पे आपको क्या करवाना है मैंने आपको सारा डिटेल में बताया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।